टीवी तो वक्त हो चला इस वक्त हम खबरों से आपको रूबरू कराने का, तो चलिए सीधा नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 5 चरणों के तहत हुए मतदान से यह स्पष्ट हो गया है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। वही छठवें चरण और सातवें चरण में हम दमदार सरकार के लिए जीत का चौका व छक्का मारने जा रहे हैं। वही प्रदेश में एक बार पुनः दमदार सरकार होगी तो विकास भी होगा और अपराधियों को सबक सिखाने के लिए बुलडोजर भी चलेगा। वही 5 सालों में हमने जो कहा उसे करके दिखाया है। दरअसल सीएम योगी बीते मंगलवार को महाराजगंज जिले के पनियरा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी व वर्तमान विधायक ज्ञानेंद्र सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वही पंचायत इंटर कॉलेज परतावल के मैदान में आयोजित जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सपा बसपा की सरकारों में दंगों का एक इतिहास रहा है और भाजपा की सरकार में 5 सालों में एक भी दंगा नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि दंगा कैसे रोकना है यह उन्होंने परतावल में ही सीखा है। पहले यहाँ अराजक तत्व गुंडागर्दी करते थे, मंदिरों में तोड़फोड़ भी करते थे, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। तब हमने यहाँ सबके सहयोग से अराजक तत्व पर नकेल भी कसी थी। उन्होंने कहा कि हमने तय किया है कि ना हम गौ माता को काटने देंगे और ना ही अन्नदाता किसानों की फसलों को नुकसान होने देंगे। वहीं सीएम योगी ने कहा कि नीयत साफ हो तो विकास के लिए भी पैसा आ जाता है। उन्होंने कहा कि हर तरफ हो रहे विकास से समाजवादी पार्टी के लोग परेशान हैं। आखिर इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? नीयत साफ हो तो पैसा भी आ जाता है। सपा की सरकार में विकास का सिर्फ एक ही अर्थ था, कब्रिस्तानों की बाउंड्री वाला एक निर्माण। वही जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक्सप्रेसवे हाईवे बनाए जा रहे हैं, वही स्कूल कॉलेज आईटीआई पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेजों का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं गरीबों के मकान बनाए गए, उन्हें जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया गया। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में मुफ्त जांच, इलाज व वैक्सीन के साथ डबल डोज राशन, तेल, दाल व नमक की सुविधा भी दी गई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि यही सपा और बसपा की सरकारें होती तो वैक्सीन ब्लैक कर दिया जाता, गरीबों का राशन सपा के गुर्गे चट कर जाते, वही बसपा के समय में हाथी के बड़े पेट में चला जाता। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के वही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास के पैसे हमारे पास एक उपकरण है, वही बुलडोजर नाम का यह उपकरण एक्सप्रेसवे हाईवे भी बनाता है और माफिया को रौदाने का भी काम करता है। बुलडोजर के दोबारा आने की आहट सुनकर सपा व बसपा के नेता आहत और बाहर भागने के लिए टिकट बुक कराने में जुट हुए हैं इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनहित के लिए चलाई गई योजनाओं में आगामी समय में होने वाली बढ़ोतरी की जानकारी भी लोगों से